नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोह में फरार वारंटियों की संख्या काफी अधिक थी, जिसके बाद दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ था। स्पेशल टीम बनाई गई थी ताकि फरार वारंटियों को पकड़ा जा सके। टीम ने काफी अच्छा काम भी किया था, लेकिन कुछ आरोप लगे, जिसके बाद टीम के सदस्यों को काफी कम अधिकारों के साथ काम करने की बात कही थी। इसके बाद जैसे ही कोतवाली का बड़ा मामला सामने आया, उसके बाद इस टीम को सक्रिय किया गया। एक के बाद एक कुछ आरोपी भी पकड़े गए। बाद में कई तरह के आरोप लगने के बाद टीम को समाप्त कर दिया गया। बीती रात पुनः एक हंगामा हो गया। गौ तस्करों ने हिंदूवादी संगठन जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया, तो पुलिस के द्वारा पुनः पुरानी टीम का सहारा लिया गया। पुरानी टीम ही काम आती है, लेकिन इस टीम को बार बार बनाया जाता है और बाद में निरस्त भी कर दिया जाता है। अधिकारियों को कोतवाली हो या फिर दमोह देहात थाने का स्टाफ, उस पर भरोसा नहीं होता। स्पेशल टीम बना दी जाती है और कहा जाता है कि यही लोग आरोपियों को पकड़ सकते हैं, और होता भी कुछ ऐसा है। आज सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीन आरोपी बीती रात जो हंगामा हुआ था उस मामले के पकड़े गए हैं। अनवर नज़र इनके नाम बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति के पैर में चोट थी, जिसे पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया। पहले चोट ठीक हो जाए, उसके बाद उसे पकड़ा जाएगा। बीती रात जो हंगामा हुआ था, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस संबंध में पुलिस कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना कि कार्रवाई चल रही है। 25 से अधिक लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। 20 से 25 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। हालांकि कोतवाली में जो मामला हुआ था, उसमें 40 नाम पुलिस अब तक नहीं उजागर कर पाई। अब 20 से 25 नाम इस मामले के सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि पुरानी ही टीम आखिर पुलिस के काम क्यों आती है, जबकि थाने में जो स्टाफ है वह आरोपियों तक क्यों नहीं पहुँच पाता। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही, इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा जानकारी दी गई। रात को वहाँ कुछ कार्यकर्ता आए थे, उन लोगों ने अपनी बैठाने की उन्होंने मांग रखी थी। अपनी उन मांगों के आधार पे उस आधार पे प्रथम दृष्टया एफआईआर हुई है और उसमें अपराध कायम हुआ है। जो आवेदक है उनके द्वारा और एफआईआर चल रही है। एफआईआर के बाद आगे की कार्रवाई चल रही है। कितने लोगों पे एफआईआर की? अभी करीब 20 में 20 से 25 लोग आरोपी हैं, उनको खिलाफ एफआईआर। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी के लिए पार्टी रवाना है, पूरा वर्क कर रहे हैं। सर, लगातार इस प्रकार की घटनाएं दमोह शहर में आना अब आम बात हो गई है, आखिर वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग साफ कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी यदि घटना घटी है, सख्त कार्रवाई हम लोगों ने की है। अभी भी जो हुई है, हम लोग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किन किन मामलों में धाराएं लगाई गई हैं आरोपियों को? सर, ये जो घटना का जो उसके वो थे इंग्रेडिएंट्स, उसके आधार पर जो सेक्शन आईपीसी बनते हैं वो उसमें लगे हैं, जो एफआईआर में लिखा है कि वो सब सेक्शन को लगे। ये झड़प और संघर्ष का मामला है बजरंग दल या दूसरे समुदाय का, कि एक सामान्य क्राइम की घटना? जाँच के विषय अभी हम इसमें बहुत गहराई से जाँच करने के निर्देश प्राप्त हुए हम लोगों को। हम बहुत गहराई से जाके जांच कर रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी पूरे इस पर हो रहा है। इसमें सर रैंप भी मिलने वाली कोई जानकारी आई है कि बाकायदा रैंप बना करके पशु तस्करी का काम चल रहा था, ये भी पुलिस की संज्ञा? देखिए, वो सब जांच का विषय है और उस स्पॉट पे विजिट हुआ है हम लोगों का, वो सब कार्रवाई चल रही है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।